अब डांट बाप रे ना अपनी बात ही मनवाएगा कुछ नहीं करेगा ये बाप ये देखिए क्या हो रहा है घर में भाई क्या हो रहा है भाई केक खा रहे हैं ओहो बहुत बढ़िया ये मैं मार्केट फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब तो न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मजे में होंगे और ये इस मौसम का आनंद उठा रहे होंगे क्योंकि मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है आजकल ना बहुत ज्यादा ठंड है लेकिन थोड़ी हवा बह रही है तो हवा में थोड़ी सी अब जो है ना वो कनकनाहट वाली ना वो है ठंडक आ रही है तो अच्छा है चलिए ठीक है ठंडक भी होना चाहिए क्योंकि जब ठंड नहीं पड़ेगी और खेतों में जैसे उपाला नहीं पड़ेगा तो कई खेतों के लिए नुकसान है फिर किसानों के लिए तो ये सब भी जरूरी है और प्रकृति का नियम है होना चाहिए तो हम लोग तो आनंद ले ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शहर में रहते हैं सारी सुविधाएं होती हैं कपड़े भी गर्म अच्छे अच्छे अच्छा इसमें ना अच्छे अच्छे स्वेटर वगैरह शॉल वगैरह ओढ़ने को मिलता है तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। और जो कई लोग तो मैं देख रही हूँ मेरे फ्रेंड लोग बाहर भी गए हुए हैं तो वहाँ दिखाते हैं स्नोफॉल भी कई जगह हो रहा है तो वहाँ से वहाँ का वीडियो वगैरह देखती हूँ बड़ा अच्छा लगता है तो जिसको भी मौका लगे ना बिल्कुल निकल लेना चाहिए इसका आनंद लेना चाहिए क्योंकि फिर साल भर बाद ही आने वाला है और फिर 7-8 महीने गर्मी से परेशान होने वाले हैं हम लोग। चलिए मुझे तो अभी मौका नहीं मिला है मैं मुझे भी मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि किसको नहीं मन करता है बाहर जाने का है ना लेकिन अभी फिलहाल मेरे चैनल पर नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक किया कीजिए कमेंट किया कीजिए। तो सुबह सुबह मैं नाश्ता मैंने कि देखिए जैसा लग रहा है नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ तो मैं कई बार रेडी हो जाती हूँ ना बिल्कुल सुबह सुबह ना अजीब सा आवाज़ भी भारी भारी होते रहता है और ये तो कुकिंग का अभी नहीं करना चाह रही थी कुछ तो कह कि चलो ठीक है जब बना लेती हूँ तभी मिलूंगी। तो अभी मैं नाश्ता अपने लिए कर रही थी तो कहीं कि चलिए आप उससे बातें भी कर लूंगी और नाश्ता क्या कर रही हूँ वो भी करती हूँ शेयर। नॉर्मल सा है आजकल के टाइम में क्या होता है खूब सारे पराठे खाइए मूली पराठे खाइए मेथी पराठे खाइए आलू पराठे खाइए पराठे ही पराठे तो और इस अभी खाना पच भी जाता है तो अच्छी बात है और इस तो खूब सारा पराठे हम लोग खा सकते हैं अभी तरह तरह के खाने साग खाइए। हेलो कौन आ गया भाई तो कॉल आने लगते हैं ना तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है जो आपका कंटिन्यू जो बोलते हो ना बिल्कुल भूल जाते हो क्या बोल रहे थे। तो मैं कह रही थी कि साग भी खा सकते हैं तरह तरह के साग आ रहे हैं सरसों के साग पालक के साग मेथी बथुआ बहुत सारे फायदे होते हैं आयरन विटामिन सारा कुछ होता है हेल्दी हेल्दी स्किन ग्लो करेगा खाइए बॉडी अच्छा रहेगा मैंने कई सारे तो चलिए ठीक है पहले ये दिखा लूँ कि मैं कर क्या रही हूँ किचन में। ये मैं बना ली थी तो मैं अपने इसको कह के थोड़ा सा गर्म कर लूँ मेथी के पराठे बनाई हूँ सुबह सुबह और मेरे बेटे को भी बड़ा पसंद है हरी सब्जी से बढ़िया ये खाना चाहता है पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है पीछे से। तो ये भी पराठे कर रही हूँ और उसका नाश्ता करूँगी और ये अभी मैं बस धनिया पत्ता का चटनी है उसके साथ टमाटर की चटनी ख़त्म हो गई है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बेटे को भी बनाना है तो वो है और क्या मतलब कि आलू पत्ता गोभी की सब्जी भी बनाई हूँ कैबेज की मटर डाल के आजकल मटर भी आ रहा है ना बहुत सारे तो उसको ये आलू पत्ता गोभी मटर डाल के सब्जी भी बनाई हूँ और लंच के लिए तो अभी तो ये नाश्ता कर ले रही हूँ और सीताफल की भी सब्जी बनाई हूँ ये देखिए तो सब कुछ करके किचन वगैरह साफ करके रेडी है तैयार। चलिए ये भी गरम हो गया बस आज मन ऐसे ही कर रहा था कि सब कुछ तैयार कर लूं और फिर उसके बाद ही नहाऊंगी पूजा वगैरह करके क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर में बाहर जाना है मुझे। चलिए थोड़ी देर में मार्केट जाना है मुझे बेटे का आज थोड़ा सा बेटे के साथ एक्चुअली क्या है ना कि घर में पूजा है तो ये बतानी थी आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं इस संडे को हमारे मकान का एनिवर्सरी है मतलब एक साल पूरा हो गया और अच्छे से पूरा हो गया कुछ भगवान कृपा से माता रानी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा साल भर में और एक और खुशखबरी है कि बेटे को बीटेक कंप्लीट होने के बाद जॉब भी लग गई तो अभी ट्रेनिंग चल रहा है उसका थोड़े दिन बाकी है तो मैंने कहा सारा कुछ ठीक ठाक है तो
एक पूजा तो कर लेते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा एक बहाना होता है, पूजा पाठ होते रहना चाहिए, घर में हवन होते रहना चाहिए, थोड़ी शुद्धि होती है। और जो हम लोग थोड़ा इस सब में बिलीव करते हैं तो हम लोग और क्या करते हैं, खुशी जहाँ कुछ होगी तो कहेंगे चलो पूजा कर लेते हैं, या कई लोग चौकी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से तो हम लोग के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कहे कि चलो छोटी सी, अभी शादी भी बहुत है, बहुत लगन है। और एकदम से हम लोग नीचे में ट्राई की तो क्लब हाउस मैंने बुक हुआ पड़ा है, तो उसमें तो जगह मिलेगी नहीं, तो घर में ही करना होगा। और इसलिए लिमिटेड लोगों को ही बुला पाएंगे, ज्यादा लोगों को नहीं, बस रिलेटिव रिलेटिव रहेंगे और दो चार अपने आस पड़ोस के जो है वो लोग रहेंगे, क्योंकि जगह घर में जितनी है उतनी ही आप कर सकते हो ना। तो मुझे पूजा के लिए तैयारी के लिए अभी बाहर जाना है, सामान लेके आना है, आज से तैयारी कर रही हूँ। आज फ्राइडे है, सैटरडे नहीं संडे को पूजा है, तो तैयारी करने में थोड़ी सी टाइम तो लगती है ना, और वर्किंग डे है तो मिला जुला के ना सारा कुछ मुझे ही करना है। तो क्योंकि पतिदेव जी तो शाम को आएंगे, लेट आते हैं, 8:30 बजे तक आएंगे, तो उनको पास कहाँ उतना टाइम होगा। और संडे की सुबह सुबह है, 10 बजे से स्टार्ट कर देंगे, 10 बजे शुरू हो जाएगा, तो 12 बजे तक दो घंटे में कोशिश करेंगे 12:30 तक सारा हवन उवन करके खत्म हो जाए। और उसके बाद फिर लंच रहेगा, जो भी पूजा में आएंगे तो लंच रहेगा। तो ये है प्रोग्राम। तो मैंने कहा कि चलिए सबसे पहले आप लोग को, भाई आप लोग भी फैमिली है ना, यूट्यूब वाले भी हमारे फैमिली है, तो आप लोग को भी इनवाइट कर दें, तो हमारे ब्लॉग के जरिए आप लोग देखिएगा पूजा भगवान का, और फिर आइए शामिल होइए हमारे साथ हमारी खुशी में। तो चलिए मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ जल्दी से, और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में देखती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम शुरू करूंगी ना तो कम होगा, पता चले एक शॉप पे सारा सामान नहीं मिला फिर दूसरी जगह, और नई जगह है ना हमारे लिए तो थोड़ी सी मुश्किल है, हमें नहीं पता अभी कि कहाँ क्या मिलता है, तो कुछ इसलिए 2 दिन पहले से, आज मैं कहीं फ्राइडे है, आज से स्टार्ट कर दूं मैं अपना तैयारी शुरू कर दूं। चलिए ठीक है, मिलती हूँ मैं। रोड पार करना, कहाँ से पार करे, यहाँ कहाँ है, नहीं 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 तार दिख रहा है देखो सामने, अच्छा ये वाला, हाँ यहाँ बीच से चल, चश्मा लगाने के बाद भी कम दिख रहा है, चलो रोड पार खाली है, यहाँ पे रोड पार करना भी बहुत मुश्किल है भाई, देख लो रुक जाओ बहुत खतरनाक है, आ जाओ आप, चल रहे मार्केट हम दोनों दोनों की जोड़ी लंबू और टिंगू की, लंबू टिंगू, हाँ ये बढ़िया किया है आपने नाम दिया है, हाँ देख लो आओ पीछे आओ, हाय देखते हैं मार्केट में क्या सामान मिलता है, भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, काम करना है तो झोला उठा के चल रहे हैं, सब कुछ मिल जाएगा जब निकले हैं तो, हाँ इसलिए तो आपको साथ रखी हूँ, मिल जाएगा सब कुछ यहाँ से लेके फिर रामनगर तक ढूंढ आएंगे, है कि नहीं है, और क्या पूजा का सामान यहाँ का मिलेगा, मिलेगा आज तो जाओ, ये देखो श्री राधे श्याम पूजा घर दिख गया, धूप में आँख नहीं खुल रही लेकिन गेट, ये तो बंद पड़ा हुआ है यार, हद हो गया, आए भी तो बंद है, फोन नंबर है फोन करती हूँ यार, भगवान हद हो गए, लेकिन सच्ची पंडित जी तो नहीं मिले, ये देखते हैं प्लेट ग्लास, ग्लास लेना है प्लेट लेना है, पूजा के सामान भी रखते हो क्या, अच्छा हम नहीं मैंने सारा पूजा के सामान मिल जाएगा, अरे भाई पूजा आजकल ये देखो, ठीक है ठीक है, वैसे एक भी है भी आता है ना, अभी बेटा इसे भी आता है, ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा साइज, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिखाना कैसा है दिखाओ तो एक बार, प्लेट भी चाहिए होगी, डिस्पोजल डिस्पोजल प्लेट तो ले, नहीं ब्लॉगिंग करती हूँ, अच्छा 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 है, मिल गया इतना ये सामान सब, हाँ ठीक है जितना मिल गया उतना ही ले चलो, ये भेजेंगे किसी से, बिल बनाना है, अब रह गया पूजा का सामान, घूम जाओ थोड़ा सा, पानी का बिस्मिल लगाना है, हाँ लगा दो एक लगा दो, बाकी फोन नंबर इस पे डाल देना,
पता नहीं अभी खुला रहता तो काम तो निपट जाता। एक बार फ्री हो जाओ। आधा हो गया, आधा बाकी है। बस ये है कि सारी चीजें मिल जानी चाहिए। मिल जाने चाहिए जो कि चलो ठीक है। तो चलिए फिर एक बार दोबारा राउंड लगाएंगे। कोई बात नहीं, वॉक पे निकल जाएंगे। सही बात है, शाम का टाइम हो जाएगा। चल चाय टाइम हो गया है तो चाय पी लेते हैं फिर मार्केट जाने की तैयारी। और सुधा जी भी आई हुई हैं तो मैं अपनी चाय निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरी फीकी रहती है। उनको चाहिए मीठी मीठी एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मेरी भी होती है लेकिन थोड़ा और ये स्ट्रॉन्ग पीती है। आजकल मुझे थोड़ी सी चाय में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा मैं कम स्ट्रॉन्ग ले रही हूँ। इनकी मैं चीनी डाल देती हूँ भड़के। कितने चम्मच डालू? टोटल एक चम्मच। अच्छा एक चम्मच ही? चम्मच छोटी है बड़ी है ये नहीं पता मुझे। मीठी हो जाएगी आपकी? कोई मीठी मिलेगी आपको? नहीं बहुत ज्यादा मीठी नहीं। हाँ हाँ वही बस थोड़ी सी चाय पत्ती मतलब इतनी कड़क चाय में नहीं और चाय पत्ती। और क्या तभी तो चाय पीने का मजा है। तभी चाय पीने का मजा है सर्दी में ठीक है ना। हाँ इस समय तो 11:30 तक निकल जाओ। हाँ काम ही नहीं खत्म होगा। काम ही खत्म होगा तो कैसे करें। 11:30 देखो चलेगी इतनी चाय। हाँ हाँ बहुत है। सामग्री शहर लाल कपड़ा सुपारी 5 इसमें पेपर यस गोला 1 गोला हो गया नारियल हो गया तिल 2 तिल 2 जौ 2 आपका 391 बनाते हुए बनाया नहीं भूल गए। चलिए शकरकंदी खाते हैं ठीक है ना। वीडियो बने ही नहीं लो भैया वैसे। चलिए थैंक यू। पहले रोड पार करें फिर खाएंगे। चलो बहुत थक गई है शकरकंदी खा के एनर्जी ले रहे हैं है ना। हाँ सही बात है। हाँ चलो ठीक है। कॉफी शॉप खुला है ना इस दिन चलेंगे हम लोग। क्या है बेक मोर नई शॉप खुली है। कैपेचिनो मिलता है एस्प्रेसो मिलता है कॉफी। कितना नींबू डाल दिया। नहीं नींबू पाया ज़्यादा नहीं है। शकरकंदी खाने के मज़े देखो ठंडी ठंडी हवा उसमें गरम गरम शकरकंदी मज़े ले रही है मैडम। चलो 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 करो आप लोग। ये देखिए क्या हो रहा है घर में भाई। क्या हो रहा है भाई केक खा रहे हैं। ओहो बहुत बढ़िया। ये मैं मार्केट गई और ये अपना इनको पेट पूजा शुरू। और ये केक ना इसके भैया के लिए और भाभी के लिए रखा था और वो आना कैंसिल कर दिए हैं तो उनके हिस्से खा रहा है ये लड़का। भैया आएंगे नहीं तो मेरी गलती नहीं है। हाँ देख लो एंड टाइम पे मना कर रहे हैं। अब उसको बैंक में काम पड़ गया ज्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए कह रहा कल आऊंगा। और ये छोड़ने वाला नहीं है अब। कल लेके आया था केक इसको खाने का मन हुआ तो मैं कहीं रख दो वो लोग आएगा तो कल दे देना। तो अब आज नहीं आ रहे हैं तो इसको मौका मिल गया खत्म करने का। देख ले आएगा तो भैया कहेगा ना। मैं तो इसलिए दिखा दी ब्लॉग में बता दूंगी ना वो देख लेगा फिर तेरे से लड़ाई करेगा। देखता बर्फ बना हुआ है स्नो है क्या ऊपर से व्हाइट व्हाइट क्रीम है। क्रीम है क्रीम है वो क्रीम ना बर्फ बन गया है एकदम। ये देख आराम से थोड़ा नॉर्मल होने दो पूरा फ्रिज में रहा है तब से। ठीक है चलो कोई बात नहीं खा लो। मैं तो वो शकरकंदी खा के आई हूँ शकरकंद का चाट मैं और सुधा जी
सही है। काम करते हैं तो थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए ना, है ना। पता है कितना मुश्किल से रोड क्रॉस की हूँ अभी रात में, अभी इतनी दिक्कत। मुझे भेजती हो तो क्या होता है। मैं बोली आंटी को कि वो नहीं, मना करते रहता है, कहता मैं रात को नहीं जाऊंगा। पूरा आंखें चुदी आ रही है, लाइट आ रही है। तो तब भी हम निकल आए दोनों हाथ पकड़ पकड़ के, हमने उड़ाएगा तो दोनों को ही उड़ाएगा। चलिए जी बाकी काम निपटाते हैं। अब डांट बाप रे। ना अपनी बात ही मनवाएगा, कुछ नहीं करेगा। ये बाप देखो लड़ रहा है, एकदम फिर रहा है, लेकिन खाना नहीं खाएगा। अच्छा डराना नहीं, डराना नहीं। देखा, देख लो ऐसे करके खा। सही बात है भाई। हाँ देख लो, वही ना देख लो, नॉर्मल से नहीं खाना खाता है हर लोग। देखो 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 सुधा जी का डुगू है, तो ये जो है ना खाना खाने में बहुत आनाकानी करता है, और बहुत सुधा जी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो मुझे कहती हैं कि चलो आप आ जाओ, आप रहोगे तो आपके सामने खा लेगा। लेकिन आज मैं भी गई तो तब भी नहीं खाना खा रहा था। तो ये जो है ना, जब साथ में रहने लगते हैं ना इंसान के साथ, तो ये लोग भी बच्चे की तरह ही जिद करने लगते हैं। तो चलिए ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।